आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल के बाद उसी गली में मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले जाया करता था। ये जो यहाँ का लुलु मॉल है भाई, दोबारा बस का टूर आप लोगों का, बस से उतर गए हम लोग और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए क्योंकि सामने होटल है। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग आए हैं बस का टूर करते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है मोहम्मद अब्बास, चलो लेके चलता हूँ आपको आज पूरा बस टूर कराने और वहाँ पे खाना भी खाएंगे। आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल के बाद उसी गली में मैं जा रहा हूँ जहाँ मैं पहले जाया करता था। ये पूरा मोहल्ला है हमारा, पुराना मोहल्ला है, तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं और बस के स्टेशन पे जा रहा हूँ फिलहाल। तो वो देखना है, बस का स्टेशन मैं आप लोगों को दिखाऊँगा यहाँ कैसा होता है। चलो चलते हैं। ये एक वकाला था यहाँ पे, यानी शॉप थी एक, तो ये बड़े प्यारे अंकल की थी हमारे, अकरम अंकल की, जो कि अभी वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। तो ये हमारा पुराना मोहल्ला है, वहाँ पुरानी रिहाइश थी। तो ये बहुत कुछ चेंज हो गया यहाँ पे अभी, लेकिन अब आगे चलते हैं। और आज धूप भी बहुत तेज़ है, दिसंबर के महीने में भी यहाँ इतनी तेज़ धूप होती है, आप लोग लाइट से अंदाज़ा लगा ही सकते हो, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है इधर। चलने में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत तेज़ धूप है ना यार। ये है यहाँ के बस स्टेशन, यहाँ नाम लिखे हैं न्यू इंडस्ट्रियल सिटी अली इब्ने अबी तालिब न्यू इंडस्ट्रियल सिटी। तो यहाँ पर ही बस जाएगी और ये है इसका ATM जिसमें हमें पैसे डालने पड़ेंगे। ये इसका कार्ड है, वो मैं चेक करता हूँ यहाँ पर लगा के, मेरी पूरी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, यूर कार्ड, और इसमें 10,000 लगेगी, तो इसमें मुझे डालने हैं 10,000 और यहाँ गया और 10 रियाल है, तो यहाँ पर 10 रियाल डालने हैं इस तरह से ये मशीन के अंदर, तो मेरा कार्ड में पैसे बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। ये देखें कार्ड हमने लगाया, यहाँ पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, मैंने 10 रियाल इसमें और ऐड हो चुके। अभी हम लोग कर रहे हैं बस का वेट, हमारे हाथ में कार्ड और बस का वेट हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे बस आती है मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ। मदरसे के बच्चे की छुट्टी हुई है तो इनसे बड़े गपशप लग रहे हैं मेरे, ये लोग यहाँ सब खेल रहे हैं, बस का हम सभी इंतजार कर रहे हैं। और छोटा वाला अहमद, अहमद जो देश का नाम था गई अपनी, बैठ चुके हैं फाइनली हम अपनी बस के अंदर और जा रहे हैं यहाँ जलियात को टूर करने। है प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो मैं कहता हूँ अपनाओ सीरत नबवी, कुरान को दिल से लगाओ नमाज को ना छोड़। फोल्डेबल सीट जो होती है बच्चों के सामने दोस्तों के सामने बोलेंगे ये खुल जाती है। अब इस बस में बहुत सारे फीचर्स हैं, तो भैया बताएंगे आप सभी को। फीचर्स मतलब जैसे आपको सेफ्टी है, प्लस वाईफाई फ्री है। वाईफाई फ्री है सर? वाईफाई फ्री, अरे बहुत वाईफाई है। 4 रियाल में आपको 2 घंटे का सफर। हम लोगों को इस मशीन में कार्ड को टच करना पड़ता है तभी हम लोग इसमें एंटर कर पाते हैं। और ये पूरी बस एक टोल फ्री नंबर देते हैं और कार्ड के पीछे भी होता है। तो इसका क्या यूज है भाई? किसका? इसका हाँ, ये जो बस का नंबर है, अभी आपको कुछ सामान वगैरह छोड़ गया था आपका, इसके ऊपर 5 नंबर है ना कार्ड पे, वो नंबर से, फिर वो ब्लॉक नंबर से, फिर मशीन नंबर, फिर ड्राइवर नंबर, ये नंबर से पूरा पता चलता है कि कैसा आपका सामान वगैरह किधर रह गया, तो सब पता चलता है। लेकिन आपका कॉलिंग सेंटर नंबर, टोल फ्री नंबर 1993। ये जो बस है ये हर स्टेशन पे रुकती है, यानी जो जो स्टेशन रहेंगे वहाँ पर कंपलसरी रुकेगी और 4 रियाल में 2 घंटा आप लोग कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो सिर्फ इस कार्ड के जरिए। ये आप लोगों को सिर्फ एक मरतबा स्कैन करना है और कहीं भी आप जा सकते हो ऑल ओवर रियाद। एक फीचर्स और है इसमें, यानी जब तक स्टेशन नहीं आएगा आप बीच में कहीं भी नहीं रोक सकते, मुखालफा आ जाएगा आपका, मुखालफा यानी चलान आप लोगों का कट जाएगा अगर यहाँ पर आपने कहीं भी बस रोक दी। तो एक फीचर और मुझे अभी भैया ने बताया कि अगर ये बस ख़राब होती है या फिर टायर पंचर होता है कुछ भी होता है एक्सेट्रा, तो एक नया बस आएगा, तो उस जितने पैसेंजर्स बैठे हैं यहाँ पे सारे, तो उन सबको लेके जाएगी और बस से कोई मतलब नहीं है, बस मैकेनिक आएगा ऑटोमेटिकली लेके चला जाएगा, यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उधर एक माइक लगा रखा है
तो वो उस माइक में भाई बोलेंगे और दूसरी बस आ जाएगी। बहुत अच्छा फीचर है ये। कॉल करने के लिए ओसीसी ये ऑप्शन इधर है। वो किस लिए? ये सिर्फ तीन सेकंड दबा के रखने से दो पुलिस और दो सिक्योरिटी मेरी गाड़ी के आगे पीछे आते हैं। अरे वाह। अगर कोई भी पैसेंजर मेरे साथ हाथापाई करता है तो ऑप्शन है इधर स्टॉप बटन, इसको प्रेस करने से वहाँ नोटिफिकेशन पहुँचती है और बस रुकती है। इनकी इमरजेंसी ब्रेक के लिए लगा रखी है यहाँ पर, उधर भी है। तो काफ़ी ठीक है एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पर। बस के अंदर फुल्ली एसी है। बस से उतर गए हम लोग और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। पूरा अलखर्ज का एरिया है और यहाँ बहुत सारे मकाम हैं, यानी कि होटल हैं। तो हम लोग यहाँ से मंदी या फिर फहम वगैरह ट्राई करते हैं। यहाँ उधर में होटल्स की तरफ गया तो सब बंद है होटल्स वहाँ पर, और आगे है कुछ तो वहाँ जाके देखता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। वहाँ एक भी मकाम खुला हुआ नहीं था। और ये है जद्दा रोड, दूसरे साइड पे मैं आ गया हूँ और मुझे यहाँ होटल भी मिल गया है। ये रहा तो चलो ट्राई करते हैं आज। ये है अपना होटल और देखो सामने अपनी ही मूवी कट रही है। और हमने ऑर्डर किया है यहाँ पर शवाया। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ शवाया कैसा होता है। तो ये है अपना, ये है अपने पत्ते और चटनी और शवाया। इसमें आलू देते हैं और चिकन और फ्रेंच फ्राइज। तो शवाया को टेस्ट करके बताता हूँ आपको मैं। शवाया पे हमने थोड़ी सी चटनी डालेंगे इस तरह से, और थोड़ा सा हम लोग डालेंगे इस पर नींबू ताकि खट्टापन आए इसमें ज़रूर। और मैंने आपको पहले भी बताया था सऊदी अरेबिया की जो प्याज होती है वो पूरी वाइट होती है। बड़ा शानदार हम लोग एक निवाला बनाएंगे और थोड़ा सा चिकन की स्किन लेंगे और चिकन भी लेंगे साथ में। तो बिस्मिल्लाह। बहुत ही आला है। ये है पत्ते। काफ़ी होटल्स में ये फ्रेंच फ्राइज नहीं देते, नहीं इन्होंने दिए हैं। एक मरतबा और अब हम लोग इससे ट्राई करेंगे फ्रेंच फ्राइज से। ये निवाला हमने टुकड़ा करके बना दिया। जी ये जो मुर्गी है ना ये आधी काटते हैं लोग, यानी जो पूरा केची से यहाँ आधा काट देते हैं और आधा हिस्सा इसका ये है। तो एक बार हम लोग ये वाला पीस भी ट्राई करेंगे चटनी डालने के बाद। अच्छा मैं अपना शवाया ख़त्म करता हूँ क्योंकि आप लोगों को बस में बिठाना है बाद में। तो फ्रेंच फ्राइज के साथ मैं अपना शवाया ख़त्म करके आप लोगों से मिलता हूँ। खाना भी खा लिया है हमने और दोबारा बस का टूर आप लोगों का कराना है। तो पीछे होटल मैंने अभी खाना खाया और बस जा रहा हूँ दोबारा से बस को पिकअप करने और दिखाता हूँ रियाद। और इधर बहुत ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी आती है तो बड़ा ध्यान से रोड क्रॉस करना पड़ता है। ये बने हुए हैं बस के स्टेशंस, तो हमें थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। बस यहीं पर हमको लेके जाएगी। ये पूरा एड्रेस लिखा है जहाँ जहाँ बस जाती है अलखर्ज के अंदर। यहाँ से 5 से 7 मिनट खड़ा रहना पड़ता है और उसके बाद बस आ जाती है। तो बस थोड़ी बहुत देर में जैसे ही आती है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये देखें जी बस आ गई है और ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। सुबह हो शाम आप हैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगो मैं। ये है अलबथा, यानी जहाँ जहाँ आती है ये बस, वहाँ का नाम भी ऊपर आता है लिखा हुआ। तो पूरी बस थी और हम आए हैं बथा के अंदर। तो पूरा विजिट कराता हूँ आपको मैं बथा। बस का सफ़र तो मेरा बहुत ही ज़्यादा शानदार रहा और मज़ा आ गया। और मेरे राइट हैंड में और लेफ्ट दोनों में व्यू देखो यार, कितना तगड़ा व्यू आ रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ बथा मार्केट क्योंकि मुझे 14 प्रो मैक्स देखना है। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। और ये है बथा के अंदर लुलू मार्केट। काफ़ी सारे इधर हैं यहाँ पर, तो इधर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे इधर दिखाते हैं भाई। ए जुशमानता अजीज माशाल्लाह। तो ये है देखो, यहाँ स्टिकर्स पे देते हैं और अच्छा है माशाल्लाह। और है सर इन्होंने दिखा दिए मुझे और एक भी पसंद नहीं आया क्योंकि ये सब परफ्यूम्स है, क्योंकि अतर है ही मुझे ज़्यादा सही लगता है। जैसे दूसरी दुकान में हम लोग आए हैं यहाँ पर और यहाँ रखे काफ़ी सारे इतर्स, तो भैया ने एक दिखाया था मुझे। तो एक और शॉप पर तो देखना है अभी यहाँ पर क्योंकि खाली दिखाया था, दोबारा देखना। ये कौन सा वाला है?
ऊद का नहीं है, बखूर दिखाना। बखूर देख दे, मीठा ज़्यादा है। काफ़ी सारे इतर दिखाए थे इन्होंने मुझे, लेकिन मुझे अभी कोई अच्छा नहीं लगा, और तो मुझे आईफोन देखना है, पहले आईफोन देखते हैं। ये जो यहाँ का लुलू मॉल है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यानी यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, सारी वेराइटीज़ यहाँ पर हैं, और मेरे पीछे में बाकी मॉल देख सकते हो। लेकिन जो मज़ा बस में आया वो अभी यहाँ तक नहीं आ पा रहा मुझे, क्योंकि बस का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही फैंटास्टिक था। फाइनली देख लिया हमने, फोन से दिख रहे हैं ये, आप जितने फोन चेक कर रहे हैं ना, ये सारे 329 रियाल्स के हैं, कोई से भी आप यहाँ से ले सकते हो। 14 प्रो यहाँ नहीं मिला, और 14 प्रो मैक्स था 256 GB में, वो पड़ रहा था पूरे 5000 रियाल का, लेकिन उस पर डीप पर्पल कलर भी नहीं था। तो 14 प्रो ही देखना है मुझे, क्योंकि मैक्स मैक्स होता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो। फाइनली मैंने इधर तो ले लिया है, ये वाला इधर लिया है मैंने अमीर उलूद का, और एक छोटा वाला लिया है। तो इसकी जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा आला फ्रेगनेंस है, यानी मैंने अभी भी मेरे अंदर से आ रही है, उन्होंने हाथों में लगाया था तब भी इतनी प्यारी खुशबू आ रही है अमीर उलूद की। फिर मुझे चाहिए था वो, मुझे मिल चुका अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोबारा बस में बैठने और घर की तरफ। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें। पीछे भी आप देखो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एरिया है, और धूप बहुत तेज़ हो रही है इधर, पूरा पीछे सब रेगिस्तान है, कुछ नहीं है यहाँ पर, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। चलते हैं वहाँ पर दोबारा से, काफ़ी अच्छा एरिया है ये, पूरा सब में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है।